हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग वंस अगेन। कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये वीडियो है न्यू यूट्यूबर्स के लिए बेसिकली। तो मैंने सुना है न्यू यूट्यूबर्स जो हैं आजकल, एक येलो साइन का बहुत न्यूज़ आ रही है थ्रू आउट, कि येलो साइन से आपका मोनेटाइजेशन को लेके लोग डर रहे हैं। बेसिकली होता है कि अगर येलो साइन आपकी वीडियो पर आ जाए तो उसमें जितने देर तक वो येलो साइन आपके वीडियो पे लगे रहेगा तो उसमें ऐड नो नो के बराबर आती है, ऑलमोस्ट ऐड बंद हो जाती है उसमें आने। तो वो एक यूट्यूब ने नया ऑप्शन दिया है हर एक वीडियो से, उससे डरिए मत। बेसिकली नंबर वन, उससे डरिए मत। जब भी वो येलो साइन आ जाए तो उसमें एक ऑप्शन हमेशा उसके साथ रहता है यूट्यूब के लिए, मैनुअल रिव्यू के लिए, क्योंकि वो ऑप्शन किसी ने मैनुअली आपके वीडियो देख के नहीं डाला। वो ऑप्शन बेसिकली आया है आपके सॉफ्टवेयर ने, जो एल्गोरिदम जो वर्क कर रहे हैं यूट्यूब पे, उसकी वजह से वो आपके वीडियो के ऊपर आता है। तो इस वीडियो इससे टैकल कैसे जिए, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो उसका मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, उससे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर ये आ भी जाए तो उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। येलो साइन का मतलब है फ्यू एड्स और नो एड्स एट ऑल। और इसका कॉज, कारण क्या है इसका आने का, ये जब आप कोई उस चक्कर में, टाइटल के चक्कर में जब आप पढ़ते हैं कि हमारा वीडियो का टाइटल बड़ा यूनिक सा हो, और उस यूनिक टाइटल के कारण आपका जब सर्च करें लोग तो आपका टॉप पे वीडियो जाए, उस चक्कर में लोग नए नए वर्ड्स ढूंढते हैं। तो वो नए नए वर्ड्स ढूंढने के चक्कर में जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का, वो नए वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो रिजल्ट क्या रहता है, येलो साइन। तो न्यू यूट्यूबर्स से ये मेरा अपना एक्सपीरियंस खुद का है जो मैं बता रहा हूँ। तो जब भी आप अगर कोई टाइटल बना रहे हैं किसी वीडियो का, तो उसमें एक ऐसा वर्ड ज़रूर रखिए, ऑलवेज कीप ए वन वर्ड विच इज़ वेरी कॉमन ऑन यूट्यूब चैनल एंड विच इज़ फेयरली एक्सेप्टेड बाई यूट्यूब एल्गोरिदम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग एक वर्ड है जो बहुत कॉमनली यू कैन सी, अनबॉक्सिंग ऑफ वॉचेज, अनबॉक्सिंग ऑफ मोबाइल्स, जो यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ उसके बनते हैं। तो जिस टाइटल में आपका अनबॉक्सिंग होगा उसमें कभी भी आपका येलो साइन नहीं आएगा। अगर आप अनबॉक्सिंग को अनपैकिंग कर देते हैं, किस लिए, कि मैं वो टाइटल मेरा यूनिक बन जाए, तो इस यूनिकनेस के चक्कर में वो अनपैकिंग जो वर्ड है वो एल्गोरिदम्स के लिए नया है, तो आपके वीडियो पर थोड़ी देर में येलो साइन 99% आ जाएगा। अगर आपका अनबॉक्सिंग उसमें डाला हुआ है तो नहीं आएगा। उसी तरह रिव्यू करते हैं, जब आप रिव्यू में अगर आप कोई डालें कि रिव्यू ऑफ iPhone 10, बड़ा कॉमन लाइन है, तो इसमें से अगर आप रिव्यू वर्ड निकाल कर कुछ और नया डाल दें, यूज़र गाइड, न्यू एक्सपीरियंस विद iPhone 10, तो वो जो रिव्यू वाला वर्ड, जो कॉमन वर्ड, बड़ा एक्सेप्टेड वर्ड था, फेयरली एक्सेप्टेड वर्ड, वो हट गया, तब आपके चांसेस हैं येलो आने के। अगर नहीं आप डालते हो वर्ड तो अगेन ग्रीन रहेगा वो। तो ये कुछ वर्ड्स का खेल है फ्रेंड्स, जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वीडियोस हैं उन पे येलो साइन कम से कम आए। बट इसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार आपका वीडियो होता ही यूनिक है। तो जैसे मेरे पीछे कुछ वीडियोस मेरे आते हैं न्यूज़, टेक्निकल न्यूज़ के, फ्लाइंग कार, फ्लाइंग बाइक, सो लाइक दैट, तो उसमें कोई आपके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है। तब तो ऑप्शन नहीं बचता तो येलो साइन आना ही है। तो अब मैं बताता हूँ येलो साइन को सोल्यूशन क्या है। अब कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि येलो जब साइन आ जाएगा तो आपका ये साइन तब तक नहीं हटेगा जब तक आपके 1000 व्यूज़ नहीं हो जाते उस वीडियो के। ये जो इंस्ट्रक्शन यूट्यूब ने दिया हुआ है उसको लोग रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आपको लगता है कि हमारे एल्गोरिदम, यूट्यूब के एल्गोरिदम ने आपका वीडियो येलो साइन गलती से आपकी वीडियो पर आ गया है, तो आप मैनुअल रिक्वेस्ट के लिए, वो एक ऑप्शन आता है उसको क्लिक कीजिए, मैनुअल रिव्यू के लिए उसको ऑन कीजिए, तो वो मैनुअल रिव्यू होगा। और उस जो लाइन लिखी हुई है उसका लोग मतलब ये बना रहे हैं कि वो मैनुअल रिव्यू होगा 1000 व्यूज़ के बाद। रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। उसका मतलब है YouTube ने एक टाइम लिया है आपसे, टाइम लिमिट, कि मैक्सिमम, वो केस है नहीं बेसिकली,
मतलब उन्होंने मैक्सिमम टाइम ये लिया कि 1000 व्यूज होते होते वो आपका मैनुअल रिव्यू हो जाएगा। हालांकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 व्यूज तक आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद डेफिनेटली वो रिव्यू कर देते हैं। तो उन्होंने एक टाइम लिखा हुआ है, टाइम लिमिट ली हुई है आपसे कि 1000 व्यूज के बीच में यकीनन 100% वो आपका मैनुअल रिव्यू वीडियो हो जाएगा। तो उसको ये इंटरप्रेट मत कीजिए कि वो जो मैनुअल रिव्यू है 1000 व्यूज़ के बाद होगा, दिस इज़ रॉन्ग। 1000 व्यूज़ तक उन्होंने यूट्यूब ने आपसे टाइम लिया कि मैनुअल रिव्यू के लिए इतना टाइम आपको लगेगा। तो प्लीज़ येलो साइन से मत घबराइए, अगर येलो साइन आता है तो उसको मैनुअल रिव्यू के लिए ऑप्शन दी हुई है, उसको रिव्यू करवाइए और अपना साइन एक दो दिन में ग्रीन करवा लीजिए और एड्स पाइए, तो ऐसे डरिए मत। और वन थिंग मोर, जो मैंने पहले सोल्यूशन बताया कि ग्रीन येलो साइन आए ना आपके वीडियोस पे, तो मैंने कहा कॉमन वर्ड्स यूज़ कीजिए अनबॉक्सिंग। बट वन एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि आपके वीडियो में वही टैग्स डालिए, वही टाइटल डालिए जो उस वीडियो में है। अगर आपकी वीडियो में अनबॉक्सिंग है ही नहीं और आप अनबॉक्सिंग इसलिए डाल रहे हैं कि आपका येलो साइन ना आए, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट हो जाएगा, तो स्ट्राइक आ जाएगी। तो बड़ा देख के चलने वाला है। सो ये मेरा वीडियो था, आपको अच्छा लगा हो और कोई भी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए और थैंक्स।